में काफी सारे खेलेंगे और गेम्स में ग्लिच होना आम बात है, चाहे वो कार ग्लिच हो, चाहे वो बाइक ग्लिच हो, चाहे वो किसी प्रकार का ग्लिचेस हो। और आज उन्हीं ग्लिचेस से इंस्पायर होके हम बनाने वाले हैं ग्लिच कार, जो कि एक ऐसा इल्यूजन देगी कि भैया आपकी गाड़ी आधी जमीन के अंदर है और आधी आसमान में, मतलब ऊपर की तरफ है, और वो गाड़ी एकदम अलग सा फील देने वाली है। यार सोच के ही मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, चलो फटाक से उसे बनाते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए होगी एक टीम। आर यू रेडी टीम सोयला? बिल्कुल तैयार हैं। फिर क्या, हम निकल गए हमारी गाड़ी की तलाश में। चलो फिर। काफी मुश्किलों के बाद हमें ये गाड़ी घर ले जाने को मिल रही है। फटाक से लेके चलते हैं घर पे और फिर काम चालू करते हैं। यार सच में मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो गाइस फाइनली बड़ी मुश्किलों के बाद गाड़ी हमारे पास आ चुकी है। अब हम इसकी करेंगे भैया कटाई। ये ब्लू लाइन देख रहे हो गाइस, इस ब्लू लाइन के सारे सारे पूरी गाड़ी को मार्क कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस ब्लू लाइन के सारे ग्राइंडर की मदद से काट देंगे। मतलब कि जो आधा नीचे का हिस्सा है वो हमारे कोई भी काम नहीं आने वाला है, हम सिर्फ ऊपर के हिस्से को इस्तेमाल करेंगे। इधर हमारी गाड़ी बन रही है और इधर गप्पे चल रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है डेटा बहुत हाई स्पीड के अंदर। में टेराबाइट में स्पीड में फ्लो कर रहा है डेटा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो गाइस फाइनली अपनी जो गाड़ी है वो कट के तैयार हो चुकी है। भैया लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत करी है। क्यों भाई, हालत खराब हो गई? हर एक पिलर से, हर एक जॉइंट से गाड़ी कट चुकी है। तो अब इसे उठा के साइड में रखें। हाँ रखो, चलो चलो। तो गाइस यार गाड़ी को काटने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही है। अभी ये जो पोर्शन है ना, ये पूरा का पूरा जो डैशबोर्ड के सामने रहता है भाई, इसने तो है ना भाई पूरा दिमाग का दही कर दिया है, निकल नहीं रहा है। तो इसको पीसीस के अंदर, हम टुकड़ों के अंदर काट काट के निकाल रहे हैं। निकल गया भाई, ये टुकड़े है ना किलो किलो, दो दो किलो के हैं। सच में हालत खराब हो गई है। तो गाइस अभी हमारी गाड़ी के फ्रेम पे काम चल रहा है फटाक से। यार काफी तेज धूप पड़ रही थी, ऊपर पूरी जगह धूप ही धूप आ गई थी। तो अभी हमें यहाँ पे छाया में इसको शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे इस पे फ्रेम पे कंप्लीट कर रहे हैं। गाइस यार गाड़ी पे काम करते करते दूसरे दिन की रात हो चुकी है भाई। तो गाइस यार अभी जो गाड़ी है उसके ऊपर थोड़ा डेंटिंग का काम किया जा रहा है, क्योंकि इसकी जो छत पे ना काफी ज्यादा क्रैक थे, इसीलिए भाई इतनी मेहनत तो कर रहा है। चलेगी तो चलेगी, क्यों नहीं दौड़ेगी, है ना, दौड़ेगी सड़कों पे। जी हाँ गाइस, चलाने की बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है मेरे को। गाइस अभी चल रही है साफ सफाई धुलाई हमारी गाड़ी की। देखो बॉडी कितनी शाइन मार रही है, जो हमने है ना पुट्टी डाली थी वो पुट्टी भी सही से फिट हो चुकी है अंदर ही। चलो साफ सफाई करते हैं, फिर ये एक गेट बचा है इसको भी लगाते हैं फटाक। I wanna be the greatest. Everybody on the face shit. I look around and feel like everybody. Guys, अब बारी है हमारी इस कार को पेंट करने की। और guys, इस गाड़ी में हम ये पिंक कलर का इस्तेमाल करने वाले हैं। सच में guys, मस्त दिखने वाली है अपनी गाड़ी। They waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey. तो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी बनके तैयार हो चुकी है। एक बार देखो कितना प्यारा कलर है यार। तो फाइनली गाइस यार हम लोग मार्केट में घूम के आ चुके हैं। अभी रात के बज रहे हैं एक, ये देख सकते हैं आप 12:48 हो चुके हैं और हमारी टीम फिर से काम पे लग चुकी है, क्योंकि कल इस पे करना है हमें सूट। भाई जी जान से लगे हुए हैं और काफी होप है इस प्रोजेक्ट से रॉक करेगा ये सच के अंदर। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं सुबह इसको एकदम पूरा रेडी करके, आपको ट्रैक पे ही मिलते हैं जहाँ इसको चलाएंगे। तो गाइस काफी दिनों की मेहनत और मशक्कत के बाद हमारी जो ग्लिच कार है वो बनके तैयार हो चुकी है। और सच में गाइस वो बहुत ही ज्यादा ऑसम है। गाइस एक बार देखो, इस पर्दे के नीचे है हमारा वो बीस्ट जो कि इसमें अभी छुप के बैठा हुआ है भाई। गाइस यार एक बार देखो सच में ये कितनी छोटी है यार, सच के अंदर है यार, बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाली है ये। अभी तक मैंने इसका फाइनल लुक नहीं देखा है। तो गाइस फाइनली हमारे मॉन्स्टर को प्रेजेंट करते हैं इन 3, 2, 1। We'll be right back.
मजा आ गया सच में, इसको देख के मजा आ गया। आई होप आपको भी इसे देख के मजा आया होगा। अगर आपको भी मजा आया है तो नीचे कमेंट कर देना आग लगा दी आग लगा दी, और वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। बाकी इधर आओ इधर आओ इधर आओ भाई, हमने इस गाड़ी को नाम दिया है GTA ग्लिच कार, क्योंकि भाई बचपन के अंदर जब मैं GTA खेला करता था या फिर अभी भी खेलता हूँ टाइम पास करने के लिए, तो उसमें कभी कभी कुछ ग्लिच हो जाते थे, जैसे वाइस सिटी खेलते थे उसके अंदर, तो जो हमारी कार थी ना वो सड़क के अंदर धस जाती थी। ये कुछ उसी तरीके का प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि जो हमारी कार है ना वो जमीन के अंदर आधी धसी हुई है और आधी कार ऊपर चल रही है, जैसे वीडियो गेम में हुआ करता था वाइस सिटी के अंदर। इसलिए इस कार का नाम भी द ग्लिच कार है, और सच में ये बहुत ही ज्यादा नीची है। मेरा जो हाइट है ना उसके अकॉर्डिंग सिर्फ घुटने के हिसाब से है, ये मेरे घुटने तक पूरी गाड़ी खत्म है, और ये गाड़ी है ना भाई चलती है, सच में चलने वाली गाड़ी बनाई है। कैसे बनाई है वो तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। बाकी एक बार इसमें गोल घूम के देखो यार, इधर वाह यार सच में बहुत ही शानदार है, बहुत ही औसम है। और ये जो प्रोजेक्ट है मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी, इस प्रोजेक्ट में मेरा साथ दिया है यहाँ पे हमारी टीम सोयला ने। टीम सोयला आ जाओ, ये है हमारी टीम सोयला जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा साथ दिया है और हमारे दिए गए चैलेंज को कंप्लीट करा है। कैसा लगा ये चैलेंज? बहुत हार्ड था, बट गाइस इसको करने में काफी ज्यादा मजा आया। मुश्किल था या नहीं था? बहुत मुश्किल था गाइस, बहुत मजा आया। मजा तो आया यार, बेसिकली क्योंकि ये चीज है ना यार, मैंने तुक्की अपनी तो गाड़ी जमीन के अंदर है ना। अच्छा तो सोचो, बाकी भाई को जरूर फॉलो कर लेना, इनका चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको इस गाड़ी की बिल्डिंग वीडियो मिलेगी। ठीक है ब्रदर? तो गाइस बाहर से तो आपने गाड़ी को खूब देख लिया, चलो अब एक काम करते हैं, आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ इस गाड़ी को और दिखाता हूँ अंदर से ये गाड़ी किस तरीके की है और ये किस तरीके से काम करती है। तो गाइस जो इसका दरवाजा है वो इसके पीछे है, नॉर्मल गाड़ियों की तरह यह वाले दरवाजे नहीं खुलते हैं, इसमें हमने डिग्गी के अंदर ही इसका ओपनिंग दे रखा है, सिंपली हमें ऐसे ऊपर करना है और टन टन हमने इसका देसी जुगाड़ वाला वर्जन बना रखा है, मतलब देसी जुगाड़ है चलती है बस ठीक है। तो गाइस सिंपली हमने इसमें क्या कर रखा है, लोहे के पाइप्स को ना वेल्ड कर रखा है और एक कुछ इस तरीके का ट्राईसाइकल वाला स्ट्रक्चर इसमें तैयार कर रखा है। यहाँ पे छोटे छोटे टायर्स हैं, आगे की तरफ है एक बड़ा स्कूटी का टायर और उसके अंदर हमने चेन मैकेनिज्म फिट कर रखा है, जिसमें ये जो पैडल है ये एक काम करते हैं और इन पैडल को घुमाने पे हमारी जो कार है वो आगे की तरफ बढ़ेगी। और हमने उसके अंदर एक ये पिलो भी दे रखा है जिसको हम यहाँ पे रखते हैं, जो कि हमारा हेडरेस्ट की तरह काम करेगा। बाकी गाइस अंदर की इंजीनियरिंग है ना बहुत ही शानदार। चलो गाइस अब इसे फाइनली चलाते हैं। तो गाइस फाइनली मैं इसके अंदर आ चुका हूँ, चलो अब इसे चलाते हैं। गेट बंद करो। 3, 2, 1, GO! गाड़ी बाहर से सख्त शानदार दिखती है ना उतना ही मुश्किल है इसे अंदर से चलाना, क्योंकि अंदर स्पेस ही नहीं है, मेरे जो घुटने हैं ना पूरे के पूरे टच हो रहे हैं और जो गाड़ी की विजिबिलिटी है वो भी इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो पोजीशन इसे चलाने का वो इतना अच्छा नहीं है। और गाइस इतना ही नहीं, आप इस साइकिल को बैक भी चला सकते हो, अभी मैं इसको उल्टा चला रहा हूँ, बस जोर लगाना पड़ता है पांव से बहुत ज्यादा, एक तरीके की ये कार साइकिल है। ओ भाई, अरे बाप रे बाप, गाइस सच के अंदर हालत खराब हो गई है इसको चलाते चलाते, मजा आ गया। बाकी आई होप आपको भी ये गाड़ी अच्छी लगी होगी। तो गाइस अभी है हमारे पास इतनी सारी कारों का काफिला और इस काफिले में हमारी जो ग्लिच कार है वो बिल्कुल छोटी सी दिखाई दे रही है।
दद्दू। हाँ। आपको कौन सी गाड़ी पसंद है इनमें से? मेरे को वो गाड़ी पसंद है। वो पसंद है? हाँ। हाथ रख दो जो पसंद है आपको। ठीक है। ये गाड़ी क्यों पसंद है आपको? ये बहुत बढ़िया गाड़ी है। बढ़िया कैसे? बहुत अच्छा ओखिया गाड़ी है ये। ऐसी गाड़ी मैंने देखी नहीं मेरी जिंदगी में। गाइस ये बात तो दद्दू ने बिल्कुल सही करा, जिंदगी में पहली बार। हाँ। तो चलो गाइस अब इस गाड़ी को उन गाड़ियों के साथ नॉर्मली सड़क पे चलाते हैं। चले दद्दू चलो। तो गाइस फाइनली अभी हम हमारी गाड़ियों का काफिला लेके निकल रहे हैं। एक बार देखो पीछे की तरफ। रूम भाइयों सिस्टम फाड़ देंगे। सिस्टम फाड़ देंगे। गाइस आई होप आपको हमारी ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। सच में ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था और बहुत ही ज्यादा हमें मजा आया इसको बनाने में और इसको चलाने में। पेडल मारते मारते पसीने छूट गए। नेक्स्ट टाइम हम इसके अंदर एक्टिवा का इंजन जरूर फिट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी इस प्रोजेक्ट को बनाने में हमारी मदद करिए टीम सोयला ने, तो उनका चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फटाक से जाके उनको भी सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब कर देना यार, सच में दिल को सुकून मिल जाएगा। और एक लाइक ज़रूर कर देना यार, सच में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको ये पसंद आया ना तो इस पर लाइकों की बरसात कर दो। मैं टारगेट नहीं दूंगा, बस लाइकों की बरसात हो जानी चाहिए यार, सच में। फाइनल लुक देख लो गाइस। अब इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगली बार मिलेंगे इससे भी बेहतरीन प्रोजेक्ट के साथ।